आप देख रहे हैं YMS News 24। आइए देखते हैं आज की खबर। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। प्रयागराज जिले के 12 तहसील थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत आने वाले गांव हड़ही में बांदा चित्रकूट हाईवे पर एक गंभीर समस्या ने क्षेत्रीय लोगों और यात्रियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। हाईवे किनारे स्थित जे के सीमेंट प्लांट से सीमेंट ले जाने वाली अनलोड गाड़ियां सड़क के दोनों तरफ खड़ी रहती हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। प्रयागराज से चित्रकूट धाम करवी और बांदा से प्रयागराज की ओर जाने वाले यात्रियों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक महीने पहले इसी स्थान पर सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। इसके बावजूद प्रशासन इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि SDM 12 और थाना प्रभारी शंकरगढ़ की लापरवाही के कारण सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें बनी रहती हैं। इससे न केवल यातायात प्रभावित हो रहा है बल्कि हादसों की संभावना भी बढ़ रही है। YMS News 24 के माध्यम से क्षेत्रीय लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिलाधिकारी प्रयागराज से अपील कर रहे हैं कि इस गंभीर समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। देखते रहिए YMS News 24। रिपोर्टर बालेंद्र कुमार बलराम जी, कैमरा पर्सन अंकित त्रिपाठी। ये रमजान अली है, ड्राइवर है। ये आप ट्रेलर खड़ी है, इसे अभी आप दिखाए हैं आपको। ड्राइवर बंधु है, सड़क में मजदूरी के तहत और कंपनी का सीमेंट प्लांट का, उसमें जगह नहीं है। अब दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं, इधर भी खड़ी है। और समझिए, एक महीने पहले एक्सीडेंट हुआ है, ऑन स्पॉट वो खत्म हो गया जिसका एक्सीडेंट हुआ है। ये स्थिति है यहाँ की। क्षेत्रीय लोगों का कहना है, यहाँ संतोष की दरोगा जाते हैं थाना प्रभारी और अंदर जाते हैं और व्यवस्था करके अपना चले जाते हैं। क्या व्यवस्था होती है इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते। क्या क्षेत्रीय लोगों का कहना है? आपका नाम क्या है? मजनू। आप मजनू जी हैं, और ये समस्या क्या है? फाइल नहीं करवा, और इससे एक्सीडेंट भी होते हैं। दो तीन मरे। ये जो दोनों साइड गाड़ियां खड़ी हैं, इसकी वजह से एक्सीडेंट होता है और दो तीन लोग मरे। यही कहना है आपका?